दोस्तों गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के सारे शिक्षकों की ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और यह ट्रेनिंग दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप लोगों को पहले बता दिया गया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पहले मॉड्यूल में 3 पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। ये पहला जो मॉड्यूल है हमें 16 तारीख से लेकर यानी 16 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 अक्टूबर 2020 तक इसे हमें कंप्लीट करना है। इसमें 3 पाठ्यक्रम दिए गए हैं और तीनों पाठ्यक्रम में दोस्तों 10-10 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी दिया गया है। इस टेस्ट को हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरे मॉड्यूल का यानी कि विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण ये जो आपका पाठ्यक्रम है इसका टेस्ट बताने वाला हूँ और बिल्कुल इसका सही सही आंसर के साथ। तो किस तरीके से आपको टेस्ट देना है और क्या उसका आंसर होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमको अपना जो है दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आना है हमें प्रोफाइल में। जैसे ही हम प्रोफाइल में आते हैं हमने जो भी कोर्स को इनरोल किया हुआ है वो हमें नीचे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 कोर्स को इनरोल किया है। पहला मॉड्यूल में ये तीनों कोर्स आते हैं। मैं अभी यहाँ पर जो है वो इसका टेस्ट देने वाला हूँ यानी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण का। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आना है नीचे प्रश्नोत्तरी में, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। प्रश्नोत्तरी में जाने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का प्रश्नोत्तरी लोड हो जाएगा। इसमें कुछ सवाल आएंगे दोस्तों, हर एक पाठ्यक्रम में 10 सवाल है। 10 सवाल को आपका जो है वो टेस्ट देना है। सबसे पहला यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। पूछा जा रहा है मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। इसका जवाब है दोस्तों गरीब परिवार, अकुलीन परिवार या ऊपर के दोनों, इनमें से कोई में नहीं। इसका सही जवाब है ऊपर के दोनों में, यानी कि जो हिंसा होती है वो दोनों जगह होती है। इसका सही जवाब है सी। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ जो एरो बना हुआ है इससे हम नेक्स्ट करके दूसरे सवाल पे आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दूसरा सवाल आ जाएगा। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि इस आसन को पहचाने। आपके सामने जो आसन दिखाया गया है इसका पहचान करना है। तो ये जो आसन है वो दोस्तों है भुजंगासन। इस पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद फिर यहाँ एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे चले आना है। उसके बाद तीसरे सवाल पे आना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी भावनाएं क्या हैं। इसका सही उत्तर है व्यक्त की जानी चाहिए। आप इस पे टिक करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आएंगे। अगला प्रश्न है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। किस आसन में ऊपर की ओर बाहें खींची होती हैं। इसका 4 ऑप्शन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हस्तोत्तानासन यानी ए पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद फिर एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। इसका सही जवाब है उचित अनुपात में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन का समावेश। इस पर टिक करेंगे फिर नेक्स्ट पे। उसके बाद अगला सवाल है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्यों नहीं आता है। क्या नहीं आता है दोस्तों, सॉरी, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। तो दोस्तों इसमें से कोई भी जो है नहीं आता है, सुरक्षा और स्वच्छता में नहीं आता। इसका सही हो गया इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे अगले सवाल पर। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता दोस्तों, तो ये सिंपल सा सवाल है। इसमें सबसे ज़्यादा सा जवाब है इसका टीवी पर व्यायाम देखना, ये शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है। फिर अगले सवाल पे हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक सामान्य और स्वास्थ्य होते हैं, ये कथन सत्य है। इस पर हम लोग टिक कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगला सवाल है शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बी सी यानी तीनों, ये सभी इसके सही जवाब हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला सवाल है इंटरनेट गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। इसका सही जवाब है दोस्तों सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्कोर आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि 10/10 आपका सही जवाब हो गया है। और उसके बाद आप यह है तो इसको रिव्यू कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सबमिट कर सकते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको 60% पास होने के लिए चाहिए, यानी कि 6 सवाल का जवाब आपको सही सही देना है। तो
तो इस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट दिया, कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मॉड्यूल 3 का भी टेस्ट और 1 का भी टेस्ट हम लोग इसी तरीके से देंगे।